नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। तो दोस्तों, आज का दिन है 23 जुलाई 2018। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं 23 जुलाई के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने विशेष समिति की सदस्यता के लिए किस अफगान महिला को नामित किया है, किस अफगान महिला को नामित किया है। तो इसका आंसर है समीरा अस्थानी को नामित किया है, समीरा अस्थानी को नामित किया है। दोस्तों जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। दोस्तों यह एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसका एक पार्ट है, इंटरनेशनल कमेटी का ही एक पार्ट है जो कि इससे संबंधित निर्णय लेती है या नियम बनाती है। इसका मुख्यालय दोस्तों लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पर? लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस बाच हैं, जो कि जर्मनी देश के हैं। कौन? थॉमस बाच जर्मनी के हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने छात्र पुलिस कैरेट यानी कि SPC कार्यक्रम का आरंभ कहाँ से किया है, कहाँ से किया है? तो यह हरियाणा के गुरुग्राम से किया है। कहाँ से? हरियाणा, हरियाणा के गुरुग्राम से। तो जान लेते हैं हरियाणा के कुछ बारे में। दोस्तों हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के राज्यपाल हैं कप्तान सिंह सोलंकी और यहाँ की विधानसभा सीट 90 और राज्यसभा सीट 5 और लोकसभा सीट है 10 लोकसभा सीटें हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, नेपाल चीन सेना के बीच 17 सितंबर से होने वाला दूसरा संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है, दूसरा संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों सागर माथा फ्रेंडशिप टू है इसका नाम, जो कि 17 सितंबर से होने वाला है। दोस्तों सागर माथा फ्रेंडशिप टू सितंबर यानी कि 17 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें दोनों देश की ओर से लगभग 15-15 सैनिक शामिल होंगे। फिलहाल अभी 15-15 का ही जानकारी है। दोस्तों स्थान है जहां पर यह आयोजन होने वाला है, तो वह स्थान है सिचुआन प्रांत के चेंगदू स्थान पर, चीन के सिचुआन प्रांत के चेंगदू स्थान पर आयोजित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एशियन जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में, एशियन जूनियर टू बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में किसने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है, किसने स्वर्ण पदक दिलाया है? तो इनका नाम है लक्ष्मण सेन है, जो कि फाइनल में जीतकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों एशियन जूनियर बैडमिंटन ये टूर्नामेंट 2018 है और यह 21वां संस्करण है। कौन सा? 21वां संस्करण है, जो कि 14 से 22 जुलाई तक आयोजित हो रहा था, 14 से 22 जुलाई तक आयोजित हो रहा था। और कहाँ पर हो रहा था? यह जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया जा रहा था, जकार्ता इंडोनेशिया में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एथेना नामक इंटरनेट उपग्रह किस कंपनी द्वारा लॉन्च की जाएगी, किस कंपनी द्वारा लॉन्च की जाएगी? तो इसका सही आंसर है फेसबुक द्वारा लॉन्च की जाएगी, है किस फेसबुक कंपनी द्वारा लॉन्च की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जम्मू कश्मीर राज्य के राज्यपाल की सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है के विजय को किया गया है। दोस्तों के विजय को किया गया है जम्मू कश्मीर राज्यपाल की सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, कहाँ पर वायु गुणवत्ता
गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सफर कर का पहला अनावरण किया गया है। पहला अनावरण किया गया है किसका? पूर्वानुमान प्रणाली सफर का पहला अनावरण किया गया है। तो यह दोस्तों दिल्ली में किया गया है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, किस देश ने 71वें विश्व स्वास्थ्य असेंबली WHO 2018 की मेजबानी की है? किस विश्व स्वास्थ्य संगठन की मेजबानी की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, यह है स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी। स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी के नवीनतम युग को किस नाम से वर्गीकृत किया गया है? एक बार फिर से रिपीट, भूवैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी के नवीनतम युग को किस नाम से वर्गीकृत किया गया है? तो इसका नाम है दोस्तों, यह है मेघालय युग के नाम से वर्गीकृत किया गया है, मेघालय युग के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर ने पहली बार आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त किया है भाई। मंदिर का नाम है यदागिरी गुट्टा मंदिर है, जिसने आईओएस प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। दोस्तों यह यदागिरी गुड्डा मंदिर तेलंगाना राज्य में स्थित है। कहाँ पर? तेलंगाना राज्य में स्थित है। यह तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। क्या? हैदराबाद है। और मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रशेखर, मुख्यमंत्री एन चंद्रशेखर राव है यहाँ तेलंगाना की मुख्यमंत्री। और राज्यपाल है श्रीनिवास लक्ष्मी नरसिंहन, श्रीनिवास लक्ष्मी नरसिंहन है। इसके साथ ही यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि दोस्तों इसमें कोई गलती हो तो प्लीज़ सजेशन ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय माता दी।